हाय गाइस, वेलकम टू फ्रेश फाउंडर, दिस इज सुमो गुप्ता, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो चैनल। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस ट्राइपॉड को, इस छोटे से नई फुल साइज ट्राइपॉड को। और मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, आप इसको कहाँ से ले सकते हैं, या इसके कंपेरिजन में जो अदर ट्राइपॉड्स हैं उनकी क्या रेंज रहती है, इसका मटेरियल ये मतलब किस मटेरियल से बना हुआ है वो भी, और बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप इस ट्राइपॉड को लेना चाहते हो तो इसके कंपेरिजन में या इसकी ही रेंज में जो अच्छे ट्राइपॉड्स हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, फर्स्ट इंट्रो, देन करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए प्रो टिप है कि चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको मिल जाता है फ्लेक्सी 520, और यहाँ पे इस टाइप का आपको लंबा सा एक बॉक्स मिल जाता है। तो इसको करते हैं अनबॉक्स, और इसके अंदर है हमारा ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड को निकालने के लिए हम इसको खोल देते हैं, और आपको अंदर जो मिलता है वो कुछ इस तरीके का बैग फर्सी मिलता है। तो इस हम डब्बे को साइड रख देते हैं, और हम आपको मिलता है इस टाइप का ये बैग, और इसके अंदर है हमारा ट्राइपॉड। तो इसको पहले ज़िप खोल लेते हैं, और मेरे को इसके साथ यहाँ पे मोबाइल माउंट फ्री मिला है, क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा बार्गेन किया तो उन्होंने दे दिया। तो ये आपको कुछ इस टाइप का ट्राइपॉड और इस टाइप का कुछ मोबाइल माउंट मिल जाएगा, ये आपको बैग मिल जाएगा ट्राइपॉड रखने के लिए। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में, और यहाँ पे इसका मोबाइल माउंट जो कि आप इसके यहाँ पे टॉप पे लगा सकते हैं, या हम आपको लगा के ज़रूर से दिखाएंगे इस ट्राइपॉड को। और पहले इसकी फ़र्स्ट लुक देख लेते हैं कि मतलब कैसा दिखता है और कितना लंबा वगैरह है। वैसे ये है 15 इंच का ट्राइपॉड, जो कि मार्केट में आपको अराउंड 1200 से 1300 रुपये का मिल जाएगा। और ये है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ, यानी कि जो पूरा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लेग्स वगैरह हैं, या जो इसकी बिल्ट है वो एल्युमिनियम की है। ऊपर प्लास्टिक मिलेगा, नीचे ये सारा जो है ये एल्युमिनियम आपको मिल जाएगा। नीचे की साइड अगर हम इसको यहाँ से दिखाएं आपको, तो यहाँ पे आपको ये एडजस्टेबल पैड्स मिल जाते हैं जो इसको टिकाए रखेंगे, और यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बीच में आपको हुक दिया हुआ है, जहाँ पर आप इसमें वेट टांग सकते हैं इसको पूरा खोल के, जिसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये हिलेगा डुलेगा नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सीधा कितना है, और ऊपर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक मीटर मिल जाता है। मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक मीटर मिल जाता है जिसके थ्रू आप जब इसमें जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है लेवल पता चलता रहेगा कि कितना स्टेबल है और कितना स्ट्रेट है या कितना टिल्टेड है, तो वो आपको मिल जाता है। अब इसको दिखाते हैं हम आपको ये कितना बड़ा हो सकता है और इसका मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटी है, तो वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो मिलता है ये जो चीज़ है, यहाँ पर से आप अगर इसको टाइट कर देंगे, ये एक लीवर टाइप का ही है आपके पास कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे, उसको फ्री कर देंगे, तो आप इसको अप डाउन फ्रीली मूव कर सकते हैं कुछ सिनेमैटिक टाइप शॉट्स लेने के लिए। और इसको टाइट कर देंगे तो ये आपकी फिटनेस ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक जो डायल दिया हुआ है, अगर आप इसको फ्री कर देंगे तो आप इसको लेफ़्ट राइट बड़े आराम से घुमा सकते हैं, और अगर आप इसको स्क्रू को टाइट कर देंगे तो आपकी ये फ्रीनेस ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे आप इसको नहीं घुमा सकते। यहाँ पे आप अगर चाहें तो यहाँ पे मोबाइल माउंट यहाँ पे आप इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से कुछ, और अगर चाहें तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना DSLR वगैरह भी फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर बात करें तो ये जो आपको डायल मिलता है, ये आपको मिलता है कि ये जो आपको अगर आप इसको और लंबा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रोटेट करके और कुछ इस तरीके से लंबा कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप अगर इसको घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से लंबा होता जाएगा। ये चीज़ एक तरीके से काफ़ी अच्छी है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी ऊंचाई चाहिए ट्राइपॉड वगैरह में, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे नीचे आपको मैंने बता दिया कि ये जो इसके पैड्स हैं ये आपको मूवेबिलिटी देते हैं और स्टेबलाइजेशन देते हैं कि ये हिले ना और कहीं मतलब कुछ ग्रिप बनी रहा है एक तरीके से। और यहाँ पे आप अगर इन लॉक्स को खोल देते हैं, तो इन लॉक्स को अगर आप खोल देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसके लेग्स वो बाहर आ जाते हैं। तो आपको एक इसका फुल व्यू देंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आप अगर इसके इन लॉक्स को बंद कर देते हैं तो ये फिर यहाँ पर लॉक हो जाते हैं, मतलब जो इसके लेग्स हैं वो फिर से अंदर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है।
और यही है पूरा सिस्टम। यहाँ पे आपको एक ग्रिप के लिए भी मिल जाता है जिसको आप पकड़ के स्टेबलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि हैवी और लाइट। सो यहाँ पे डिवीजन कंट्रोल लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे है हैवी साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड हैवी है, और लाइट एंड जो लाइट है वो है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे डिवीजन कंट्रोल लिखा हुआ है। ऊपर आपको मैंने सब बता ही दिया कि कैसे क्या है। यहाँ पे आप अपना माउंट, यहाँ पे आप इसको अगर आपको अप डाउन करना हो या कुछ भी मतलब एडजस्ट करना हो, और साथ में यहाँ पे अगर आप इसको लेफ्ट राइट घुमाना चाहते हो, और इस डायल से आपका जो ट्राइपॉड का जो आगे गर्दन है, एक तरीके से नेक है, वो थोड़ी लंबी और मतलब थोड़ी लंबी, और नीचे आप इसको फिर से डाउन ला सकते हैं। तो यही चीज़ है, और बाकी हम इसका आपको फुल व्यू दिखाते हैं अभी कि कैसे होता है। तो चलिए उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इसके जो लेग्स वगैरह हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लॉक खोल लें अगर, तो लॉक खोलने के बाद ये चारों लॉक आपको खोलने हैं साइड्स में से, और इसको कर देना है फ्री। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना लंबा हो जाता है ये। तो इसके नीचे आपके चारों पैर जो हैं वो निकल आएंगे, और फिर आपको इसको लॉक कर देना है चारों तरफ से, मतलब कि चार लॉक्स को आपको लॉक कर देना है, और फिर उसके बाद आप इसको फ्रीली खोल सकते हैं। तो हम इसको आपको दिखाते हैं कि फुल साइज में किस टाइप का लगता है पूरा ओपन होने के बाद। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ट्राइपॉड मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसको फिर से थोड़ा देखते हैं कि ये कितना जाता है ऊपर। तो इसको ज़रा फ्री कर लेते हैं ओपन करने के लिए, तो इसको ज़रा लूज़ कर देते हैं, और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं आपकी, ये है फुल साइज ट्राईपॉड जो कि मैंने ख़रीदा है मात्र 750 रुपये में विद माय मोबाइल माउंट। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे है आपको ये इतना साइज़ मिलता है। अगर मैं इसको फुल फोकस में लाने की कोशिश करूँ तो आपको कुछ इस साइज़ का ट्राईपॉड आपको मिल जाता है 750 रुपये में। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो आपको 1200 रुपये तक का पड़ जाएगा। अमेज़ॉन बेसिक्स पे जो इस साइज़ का जो ट्राईपॉड है वो आपको 900 रुपये तक में मिल रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी आप चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको फ्लेक्सी 520 जो कि एक काफ़ी अच्छी ब्रांड है इन माई कंसर्न, क्योंकि मैंने लिया है और मैं देख पा रहा हूँ कि एलुमिनियम फ्रेम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, उसके लिए आप एनोटेशन बार चेक कर सकते हैं, जिसको आपको मतलब जिसके थ्रू आप मेरी एक और व्लॉग वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने बनाई थी पुरानी दिल्ली, और वहाँ पे से मैंने ये ट्राईपॉड लिया है। तो आप भी जाके ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे बैग मिल जाएगा फ्री में, मोबाइल माउंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये ट्राईपॉड मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब और सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो कि आपको चाहिए। माइक वगैरह काफ़ी सस्ते में वहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फुल सेटअप के बाद। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, और अगर पसंद आई और अगर आपको भी ये ट्राईपॉड लेना तो या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं लिंक, अगर आपको ऑनलाइन वगैरह ख़रीदना है अमेज़ॉन बेसिक्स या किसी और का, वरना आप जाके वहाँ से ले सकते हैं जहाँ पे कूचा नहीं कूचा चौधरी मार्केट। यस अरे यार मैं नाम कन्फ्यूज हो जाता, तो कूचा चौधरी मार्केट में जाके आप इसको ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप बेसिकली इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं गया था तो मैं ले आया, और बिल्ड काफ़ी अच्छी है, देख लिया आपने कैसा क्या है। बाकी ये जो रेड है मतलब ये वाला जो है आप देख सकते हैं कि हिलता है, तो ये आपको इंडिकेशन देता है लेवल वगैरह की कि मतलब क्या है। और यहाँ पे आप अगर इस चीज़ को अगर खोल देते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो है ना ये भी बाहर आ जाता है। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप इसको मान लो ये चीज़ ख़राब हो जाए आपकी, तो आप इसको दूसरी अटैच कर सकते हो जस्ट इसको ओपन करके, और फिर यहाँ पे आप दूसरी लगा दो।
तो वो भी एक फीचर है। और यहाँ पे आप इसको फ्री करोगे तो ये भी डिटैच हो जाता है, तो बस यही है। और देख लिया आपने कैसा है। बस आज की वीडियो में यही था। टिल देन, गुड बाय, दिस इज सुमो गुप्ता साइनिंग आउट राइट नाउ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और मेरे को बताओ कि यार ये आपको कैसा लगा, आप लेने वाले हो नहीं, तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला ट्राईपॉड। और ओपिनियंस बताओ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना फॉर दी लेटेस्ट टेक अपडेट्स। और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है फ्यूचर में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।